अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वी आर बैक अगेन। आज हम पेपर हमारे हो गए काफ़ी। इसके बाद पेपर हम फिर लास्ट में फिर देखेंगे। अब एक और जो टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक वाइज दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। एक और जो हमारे पास टॉपिक है, कुछ बुक्स हैं सिहाह सिता। आपने MCQ देखा होगा सिहाह सिता। उनके ऊपर जितने भी MCQs बन सकते हैं तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने MCQs इससे यहाँ से हम निकाल सकते हैं। पहले तो ये है कि सिहाह सिता से रिलेटेड ही जो है ना MCQ ये है कि इमाम बुखारी का आपसे वो नाम पूछते हैं। इमाम बुखारी का जो ओरिजिनल नेम है वो मोहम्मद बिन, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल उनका नाम था। अब उनका आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 810 AD। आप लोग सिर्फ AD वाली डेट याद रखें, तो 810 याद रखें, बाकी याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपसे वो नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ सिहाह सित्ता, तो वो कौन सी किताब है? ये भी आपको सही बुहारी सिहाह सित्ता की पहली ऑथेंटिक किताब है। उसके बाद आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सहीहैन क्या है और सहीबैन क्या है। सहीहैन वर्सेस सहीबैन। सहीहैन में आपके पास पता है कि बुखारी एंड मुस्लिम। सहीहैन का मतलब क्या है? बुखारी एंड मुस्लिम। और सहीबैन का आपको मैंने बता दिया कि अबू यूसुफ एंड इमाम शबानी। अब एक और किताब है जिसका नाम है सिहाह सित्ता की किताब है फतवा अल-बारी। तो उसके राइटर का क्या नाम है? फतवा अल-बारी का राइटर कौन है? तो उसका राइटर भी आपको पता होना चाहिए कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी। हाफिज इब्न हजर आप लोग याद रखें, हाफिज इब्न हजर। तो ये उनके फतवा अल-बारी का राइटर है। अब एक और किताब है जो हम इसी क्रॉस डायग्राम से करेंगे, सुन्ना इब्न मजा। ये किताब इनके जो है ना वो कंपाइल किसने की थी? तो इसके लास्ट में, बुक के लास्ट में इब्न मजा है, तो बस इब्न मजा इनका राइटर भी है, कंपाइलेशन उनकी है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिहाह सित्ता में टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स हमारे पास 6 है, 6 किताबें हैं सिहाह सित्ता में, 6 किताबें हैं। और बाकी सहीबैन और सहीहैन आप लोगों को ये आपको पता चल गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। दोबारा इधर नाम दे देते हैं सिहाह सित्ता। बुक्स। अब इसमें एक और किताब आ गई है हमारे पास, सुनान अल-नसाई। तो इसके आपने बताना है किसने कंपाइल्ड की, किसने लिखी है ये किताब। तो ये भी अल-नसाई ने लिखी। तो लास्ट में जो उनका नाम है कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक अल-मजा है और एक अल-नसाई है, दोनों के उसमें। अगर आपसे पूछे कि सिक्स authentic books of hadith, तो वो 6 किताबें कौन सी हैं, तो वो सिहाह सित्ता है। तो ये नाम आपने याद रखना है कि इसका मतलब ये है। अब वो ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि सिहाह सित्ता जो बुक्स है वो किस चीज़ की किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं, सीरत नबी की है, तफसीर कुरान की है, तो वो हदीस की बुक्स हैं, हदीस कंपाइलेशन है। एक और MCQ के फतवा काजी खान जो है, फतवा काजी खान ये किस सेक्ट का फतवा है, ये जो है ना किस सेक्ट का हमारे पास फतवा है, तो ये फिक्ह हनफिया। फिक्ह हनफिया तो ये हमारे पास एक यहाँ से इमाम बुखारी का आपने देख लिया और मोहम्मद बिन इस्माइल का देख लिया। अब कुछ एक और भी चीज़ है जो आपसे वो पूछ सकते हैं, हदीसों के नंबर बड़े ज़रूरी हैं। सही बुखारी में टोटल कितने अहदीस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं। तो ये ऐसे याद रखने हैं 72, 75, 72 और 75। तो ऐसे याद रखने 72 पर 3 का डिफरेंस है, दोनों में 3 का डिफरेंस याद रख। तो 72, 75 हदीस है। अब एक और किताब है कि बुक बाय हजरत अली, तो वो कौन सी किताब है बुक बाय अली, तो वो नहजुल बलागा। नहजुल बलागा जो है ना वो उनकी किताब है। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट जो वो थी, फर्स्ट बायोग्राफी जो थी, और वो किसकी, ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। होली प्रॉफिट के जो लाइफ पे जो फर्स्ट बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी, वो इब्ने इसहाक थे। तो ये उनके राइटर हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट सिहाह सित्ता में एक MCQ और भी बन सकता है। वो ये है कि इब्ने मजा जो है उन्होंने कौन सी रोट विच बुक, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो उन्होंने किताबुल तफसीर लिखी है। किताबुल तफसीर। अब एक और MCQ कि हु कंपाइल्ड सुनान अबू दाऊद। तो ये किताब किसने लिखी है, तो ये भी लास्ट में जैसे नाम लिखा हुआ है तो अबू दाऊद ही इसके राइटर है। अब एक और मेजर एमसीक्यू है कि हजरत इमाम तिरमिजी जो थे, हजरत इमाम तिरमिजी वो किसके स्टूडेंट थे? वाज अ स्टूडेंट ऑफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इमाम अबू दाऊद के जो है ना वो हजरत इमाम तिरमिजी उनके स्टूडेंट थे। सिमिलरली सही मुस्लिम का आपको पता होना चाहिए, ये भी फेमस जो है ना वो हदीस की किताब है सही मुस्लिम। वॉज कंपाइल्ड बाय, सही मुस्लिम किसने कंपाइल की थी? तो मुस्लिम बिन हिजाज, मुस्लिम बिन हिजाज ने सही मुस्लिम की कंपाइलेशन की थी। उसके बाद इमाम मुस्लिम की डेथ कब पूछ सकते हैं आपसे? इमाम मुस्लिम डाइड कब हुए थे, कब वो डाइड व्हेन? तो ये डेट है हमारे पास 25 रजब और 261 हिजरी बनता है। और सिमिलरली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन इस्माइल जो है, मोहम्मद बिन इस्माइल वो किस चीज़ के राइटर थे? तो वो सही बुखारी के थे। सही मुस्लिम और सही बुखारी का आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू वो टच करता है। सही बैन का, सही हैन का, ये मेजर पोर्शंस हैं जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमारे पास सिहाह सित्ता के जितने भी एमसीक्यूज थे। अब नेक्स्ट में भी हम पार्टीशन वाइज चलेंगे, क्योंकि पार्टीशन वाइज हेल्प ये होगी कि आप लोग एक टॉपिक बस खोलेंगे, उस टॉपिक के साथ को जितने भी वो टच कर सकता है एमसीक्यूज वो आपके कवर्ड होंगे। सिमिलरली सारे हमने कर भी लिए हैं, हम फिर इंशाल्लाह मेगा टेस्ट भी एक जो है ना वो कंडक्ट करेंगे, और जिसमें फिर मुझे सब स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, सब का वो टेस्ट लेंगे ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितना जो है ना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। तो उसी हिसाब से फिर हम आगे भी कंटिन्यू करते जाएंगे कि कौन से लूप होल्स हैं आपके। तो क्लास हम फिर यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना हम कल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके।